अभी नागरिकता मिलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सारी मुश्किलें हमारी जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो हम सोचते हैं कि हमें एक नया जीवन दान दिया है मोदी जी ने। हम इतने खुश और गुजार हैं मोदी साहब जी, मोदी जी अमित शाह जी हो गया, ये सरकार बीजेपी है, हम इसको धन्यवाद कहना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत बढ़िया कर रहा हूँ सर। हम तो मोदी जी, अमित शाह और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे पहले तो, क्योंकि अगर वो ना होते तो ये होना इम्पॉसिबल था। हमारे लिए तो बहुत खुशी का दिन है, जब ये बिल पास हुआ था हमने तो मिठाइयाँ भी ढोल नगाड़े बजाए और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हमें भारत सरकार में नागरिकता दी। सीए नागरिकता नहीं मिली है, हमें एक नया जीवन दान मिला है, क्योंकि हम पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर रह रहे थे लेकिन हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, ना आधार कार्ड ना बैंक अकाउंट खुलवा सकते थे, बच्चों का एडमिशन करने में दिक्कत होता था, डॉक्टरों के पास मेडिसिन लेने में, टिकट कटवाने में, कहीं पर भी जाना हो और हम दिल्ली से बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि जहाँ का LTV वहीं रहना है। अगर बाहर कहीं जाते थे तो डर रहता था कि हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास तो वीज़ा यहाँ का है दिल्ली का, तो हम कैसे जाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, सिर्फ यही नहीं और भी काम करने जाओ, कहीं पर भी छोटा मोटा काम करो तब भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी दुकान वाले के पास अगर हम जाएँ ना कि हमें यहाँ पर रख लो आपके पास, तो दुकान वाला पहले कहता आपका आधार कार्ड है, ID है कोई, तो ID तो नहीं है तो फिर उसके बाद कैसे हम कोई काम दे सकता है सर। और लोगों को यही कहते थे कि आप पाकिस्तानी हो, तो थोड़ा सा डर लगता था, और हम अपने आप को हिंदुस्तानी भी तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे बारे में अभी तक कोई मतलब ऐसा बना नहीं था। पहले 2019 में आया तो था CAA पर लागू नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से नागरिकता नहीं मिली, और बहुत सारे लोग कई सालों से यहाँ पर बैठे हुए उनको भी नागरिकता नहीं मिली। तो अभी नागरिकता मिलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सारी मुश्किलें हमारी जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि हमें एक नया जीवन दान दिया है मोदी जी ने। सर ये धन्यवाद, आपकी ये सवाल आपने पूछा, आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसमें जो CAA ये लगी है जो मतलब नागरिकता संशोधन है, ये तो पहले होना चाहिए था, 70 साल पहले होना चाहिए, ये बंटवारे के टाइम में जो हिंदू वहाँ पे रह गए थे उसको होना चाहिए था, पर अभी हुआ है, वो भी धन्यवाद कहना चाहते हैं सरकारों को, ये भी होना चाहिए क्योंकि इसमें जीवन दान हमारे को मिल गया है। जैसे मान लो आप जीवन दान मिलता है, ऐसे हमारे को नया जीवन दान मिला है। हमारे लिए तो बहुत खुशी का दिन है, जब ये बिल पास हुआ था हमने तो मिठाइयाँ भी ढोल नगाड़े बजाए और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हमें भारत सरकार में नागरिकता दी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं करते हैं मोदी सरकार का। कैसे देखते हैं, 10 साल से वंचित थे चीज़ों को लेकर, नागरिकता से वंचित थे, यहाँ की फैसिलिटी से वंचित थे, अब जो है ये इंतजार भी ख़त्म हुआ और अब पूरी तरह से जो है एक हिस्सा कहलाएंगे भारत के। हाँ, हमें बहुत दिक्कत थी जब हमारे यहाँ नागरिकता नहीं थी, तो बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, कहीं पे अपना रोज़गार में दिक्कत आ रही थी, कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और कहीं अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, तो उसको अभी तो अगर भारत के हम वासी हो जाएंगे तो हमें नौकरी भी मिलेगी, बच्चे भी पढ़ाई करेंगे और हमें हम ज़मीन भी खरीद लेंगे अपनी कोई छोटी मोटी, जो जिसके पास औकात होगी। हाँ, कितने सालों से इंतजार था, अब जाके इंतजार ख़त्म हुआ है। मोदी जी कह दें या गवर्नमेंट कह दें, जो करंट गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लिया है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को लेकर? हम गवर्नमेंट का इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें फ़ायदा मिला गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा, मोदी सरकार ने हमें सोचा हमारे बारे में, BJP की गवर्नमेंट ने, और हमें बहुत बड़ा एक कहते हैं ना एक जीवन दान, जैसे नया जीवन दिया, तो इस तरीके से नया जीवन हमें दिया है मोदी ने, और हमें हमारे बच्चों को
जीवन भविष्य उनका सुधरेगा, उनको नौकरियां मिलेगी, पढ़ाई होगी, सब कुछ होगा।